बनाएंगे साबूदाने की खीर। साबूदाने की खीर बनाने के लिए हमने लिया है 1 लीटर दूध, दूध हमने फुल क्रीम लिया हुआ है, आधी कटोरी साबूदाने, इसे हमने 3 घंटे पहले पानी में भिगो कर रखे हुए थे। देखिए साबूदाने फूल चुके हैं, आप इस तरह दबा के इन्हें चेक कर सकते हैं। 1 कटोरी शक्कर, 8-10 काजू कटी हुई, 4-5 बादाम कटी हुई, थोड़ी सी किशमिश, थोड़ा सा इलायची पाउडर। चलिए शुरू करते हैं। गैस ऑन करेंगे और दूध को गर्म होने देंगे। देखिए दूध गर्म हो चुका है, उबाल आ गया दूध में। अब हम दूध में ये साबूदाना डाल देंगे। अब ये शक्कर डाल देंगे, इसे हम फुल फ्लेम पे थोड़ी देर उबाल आने तक पकाते हैं। लगातार चलाते रहना है, नहीं तो नीचे साबूदाना चिपक जाएगा तली में। लगातार चलाते रहेंगे इसे, नहीं तो साबूदाना नीचे लग जाएगा तली में। देखिए खीर में उबाल आने लगा है, गैस मीडियम फ्लेम पर कर देंगे हम और इसे पकने देंगे हम थोड़ी देर। देखिए 5 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पर इसे पकाया है, बीच बीच में हम इसे चलाते रहे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, बादाम, काजू, किशमिश। इलायची चला देंगे इसे और इसे 5 मिनट और हम स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। देखिए 5 मिनट और हमने इसे स्लो फ्लेम पर पकाया है, खीर पक चुकी है। देखिए साबूदाने भी पक गए हैं, ट्रांसपेरेंट दिखने लगे हैं, इसका मतलब है साबूदाने पक चुके हैं। गैस ऑफ कर देंगे और हम इसे अब सर्व करें। देखिए खीर हमने कटोरी में निकाल ली है, इसे गार्निश करेंगे। ये साबूदाने की खीर बनकर तैयार है, अब आप इसे सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट छोड़ें। थैंक यू।